उदयपुर शहर वैसे भी नंबर वन माना जा रहा है, इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग क्या थोड़ा होता है? देखिए, किसी भी शहर के लिए बेसिक चीज होती है शहर का रेल रोड नेटवर्क अच्छा। तो हमने आते ही 12 तारीख के बाद 14 तारीख को दो टेंडर में जो कंप्लीट से कागज वो मैंने ऑर्डर किया, वो एक प्रोग्राम नगर से कलेक्ट कर रहे हैं उसको, बुआना को जो टू ग्रेन है उस पर 8 करोड़ रुपया खर्च करके उसको 4 ग्रेन जैसा। और हमारे को तकलीफ जब मैंने टेकोर की एक लेडी थी उसने 7 करोड़ डाला है, उसके बाद 4 करोड़ रुपये उसके टेंडर कर दिया और जूता जो रोड नेटवर्क है तो सब हम लोग उसको चौड़ा वाइडनिंग करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली डिफिकल्टी बहुत आती है। आज सवेरे मैं जो रिंग रोड पिछड़ा की है उसकी बात बता रहा हूँ, हम लोग सवेरे में सबको ले गया था, अभी का इतना हल्ला मचा रखा है, काम क्या है। अब उसमें प्रॉब्लम रोड जब तक फॉरेस्ट की लैंड नहीं मिले, वहाँ पे आप जाएंगे कभी मिलिट्री के सामने हो तो सामने की तरफ लेफ्ट हैंड फॉरेस्ट की लैंड है, राइट हैंड मिलिट्री वालों की लैंड है, और जहाँ पे जंगल की फॉरेस्ट की लैंड खत्म होती है तो वहाँ जितनी भी जमीन पड़ी हुई है बाकी वो सब बोर्ड लगा रखा है अपने पहले साल में कभी आप जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी है पैलेस की है, तो वो वहाँ पे हमारी जो रोड प्रपोज है जहाँ पे आगे पूरा राउंड हो जाए तो वो हम वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी अधूरी है जो पैसा अब तक 2-4 करोड़ 5 करोड़ लग गया उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका यूज़ निकालो, उससे बात करने को कहा है बात करेंगे, नहीं तो सड़क थोड़ी छोटी हो जाएगी, अब उसको कोशिश करेंगे पूरा करेंगे, लेकिन फारिश पानी का आपको दिल्ली से पैसा होता है जी, तो वो लगता है हम लोग इमीडिएटली कर नहीं पाएंगे फारिश पानी। सर, सरकार दिल्ली में भी आती है, राजस्थान में भी आती है, सरकार दिल्ली में भी आती है, राजस्थान में भी आती है, उससे क्या समस्या है? नहीं, समस्या है ना, समस्या तो ये है साहब, प्रोसीजर तो अभी तक फारिश से लेने का शुरू ही नहीं हुआ ना। अच्छा, आज स्कीम तो बना ली नक्शों पर सब आपने, लेकिन अब जब काम कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो फॉरेस्ट वालों से बात करनी पड़ेगी। सर, इसके लिए लोकल अथॉरिटी जो है वो तो हमको कुछ करेंगे नहीं, तो इसलिए हम आप जो कह रहे हो कि राज्य सरकार भी आपकी है, दिल्ली सरकार भी आपकी है, तो उसका एडवांटेज तो जरूर मिलेगा, लेकिन जब आप जाओगे मांगोगे तो आगे तक बात चलेगी, अभी तक तो कुछ गए नहीं। नहीं सर, रिंग रोड की बात तो लंबे समय से चल रही है, इसके पहले रिंग रोड की बात तो लंबे समय से चल रही है, इसके पहले एक चेयरमैन साहब भी रखे गए हैं, अधिकारी भी रखे, आप इसको अकाउंटेबल किसको मानते हैं, इसकी सारी किसको अकाउंटेबल मानते हैं सारी घटना के लिए जो डिले हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले? रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो किसी पे कैसे डाल सकता हूँ, मैं कह दूँ कि फलाने की गलती है तो गलती वाली बात नहीं है, लेकिन सुस्ती जरूर है, पता था आपने जब सर्वे कराया, रिपोर्ट बनवाई, आपने टेंडर किए, आपको पता था कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्लाई करना चाहिए था, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जयपुर भेजे, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, तो हम 2-4 दिन में उनको शुरू तो करते हैं जी, लेकिन मुझे पता है कि सरकार यहाँ की हो या दिल्ली की हो, जो उनका प्रोसीजर है लंबा चौड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जी, तो कोई 2 महीने या 3 महीने में अब मेरे को वो लैंड मिलती दिखती नहीं, तो हमने कहा है कि जितनी बाकी है उसको तो आप कंप्लीट करो काम, काम तो चला तो टेंडर हो गए हैं, फिर वापस उसको चाल नहीं मिलेगी तो कॉन्ट्रैक्टर बैकआउट हो जाएगा, कैसा मैं आपके इस पुराने रेट पे हम काम थोड़ी दूर 2 साल के बाद। सर, ये आपका एक लंबे समय बाद वापस यूआईटी में लौटना हुआ है, अधिकारियों जब से लोकतंत्र बना लोगों कि ये भावना है कि जनप्रतिनिधि आगे आए और काम करें जनता से, क्योंकि उनका जुड़ाव होता है, वो जन समस्याओं को समझते हैं, अधिकारियों के ऊपर तो ये रहता है कि ये नकीर का फकीर होता है, किसी मामले में कोई एसोसिएट नहीं ले सकता है। आपके ज़माने में एक मास्टर प्लान बना था उदयपुर के अंदर,
उसके बाद जो दुर्गति पिछले 8 साल में या 10 साल में उस मास्टर प्लान की हुई है, वो आपने उसको कुछ देखा है आने के बाद कि क्या हुआ उसके मास्टर प्लान की बात? हाँ, मास्टर प्लान देखा क्या है, मेरा तो एक एक चीज समझी हुई है, वो भी मास्टर प्लान जो है 7-8 साल से पढ़ा हुआ था जी। जब मैं लास्ट टाइम विवाहित में आया जी जी, मैंने उनसे कहा कि निकालो तो उसे है क्या देखना जी जी, तो वो करीबन करीबन तो वो सब कुछ तैयार था जो मेरे को सजेशन देने थे वो मैंने दिए, लेकिन जब तक तो उसको मैंने कह दिया कि अब लंबा मत खींचो, इसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराओ, आप भेजो, मैं जाता हूँ और गवर्नमेंट से अप्रूव करा के आता जी। तो यहाँ से इन्होंने डिस्पेच किया और मैंने अप्रूव करा लिया एज इट इज जी। मेरी तरह से कोई भी उसमें छाँट वाँट करूँ मैं तो वापस वो 6 महीने साल के लिए पढ़ाया जाएगा। एक बार जो मेहनत की है डिपार्टमेंट ने तो वो देव जो समझ करके था सेंक्शन करा के लिया है, अभी वो चल रहा है। अभी वापस मैंने अखबारों में पढ़ा है कि मास्टर प्लान को शहरों के रिकंसीडर कर रहे हैं, रिवाइज मास्टर प्लान कर रहे हैं। तो उदयपुर का क्या है मैंने पूछा ही नहीं अभी तक, कि मैंने अखबार में जरूर 2-3 महीने पहले पढ़ा था। अभी तो जो रिवाइज प्लान हमारे टाइम पे सेंक्शन रहा वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब वो इम्प्लीमेंट में डिफिकल्टीज ये हो गई कि गवर्नमेंट ने 90 भी बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने आपको क्या कहते हैं नो कंस्ट्रक्शन जोन में कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जी जी। और जो आपके जिसको फेवर करनी हो समझे साहब उसका भू परिवर्तन हो जाता है जी जी, इधर उधर का आदमी भटकता रहता है जी।